कल वाणी चल रही थी 15 जून 1966 की, पहले पेज के अंत में ब्रह्मा को कहते हैं प्रजापिता ब्रह्मा। वो प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ ठहरा ना, माना जहाँ प्रजा है वहाँ प्रजापिता है, वहाँ आत्मा है। सब एक बाप के बच्चे ब्रदर्स हैं, बाप शिव के साथ रहने वाले हैं। परमात्मा का नाम है शिव और आत्मा का नाम है शालिग्राम। शाली कहते हैं चावल को, चावल में जब तक छिलका है तो जैसे देह अभिमानी पतित आत्मा है, छिलका देह बान का उतर जाता है तो शुद्ध आत्मा चावल के स्वरूप माना शालिग्राम जैसी रह जाती है। बाप परमात्मा अलग है और आत्मा अलग है। आत्माओं में देहभान का छिलका चढ़ता है, परमपिता परमात्मा में देहभान के छिलके की बात नहीं, वो तो सदा शिव है। तो आत्माओं का भी रचयिता चाहिए ना। रचयिता किस हिसाब से कहा जाएगा, क्योंकि रचना और रचयिता का संबंध तो साकार में होना चाहिए। आत्मा तो है निराकार, सुप्रीम सोल भी निराकार है और आत्मा तो अनादि अविनाशी है, तो रचने का तो सवाल पैदा नहीं होता। लेकिन आत्मा अपने स्वरूप को भूल जाती है देहभान में आने के कारण, तो सुप्रीम सोल बाप इस सृष्टि पर आते हैं और आत्मा को अपना परिचय देते हैं कि तुम आत्मा अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु हो। जैसे मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूं वैसे तुम भी ज्योति बिंदु हो, बिंदु बिंदु आत्मा है सब एक समान, लेकिन मेरे में और तुम जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माओं में अंतर है। मैं जन्म मरण के चक्र में नहीं आता हूं क्योंकि अभोक्ता हूं और तुम आत्माएं भोगी हो, अभोक्ता नहीं हो सकती। तो भोगी होने के कारण तुम्हारी आत्मा की शक्ति क्षीण होती रहती है, तुम देहभान के छिलके में बंध जाती हो और मैं तो सदाशिव हूं। मैं अगर सदाशिव न रहूं और आत्मिक स्थिति में न रहूं तो तुम आत्माओं को इस शरीर के बंधन से छुड़ाने वाला कोई भी नहीं रहेगा, इसलिए मैं तुरीय आत्मा हूं। तुम बंधन में आने वाली आत्माएं हो, षष्ठी रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाली हो, कभी 16 कला संपूर्ण बनती हो कभी कलाहीन बन जाती हो। मैं तो जन्म मरण के चक्र में ही नहीं आता, गर्भ से मैं जन्म नहीं लेता। तुम आत्माओं का गर्भ से जन्म होता है, जिनका गर्भ से जन्म होता है उनकी मृत्यु भी होती है। आत्मा तो मृत्यु को नहीं पाती, आत्मा एक चोला छोड़ दूसरा चोला धारण करती है। मैं भी धारण करता हूं परंतु मेरे जन्म दिव्य जन्म कहा जाता है। गीता में भी लिखा है प्रवेश तुम, मैं प्रवेश करने योग्य हूं। जैसे भूत प्रेत आत्माएं प्रवेश कर जाती है
परंतु वो तो मनुष्य आत्मा है, उनको सूक्ष्म शरीर का बंधन होता है। मेरे को तो न स्थूल बंधन होता है न सूक्ष्म बंधन होता है, मैं तो हल्की फुल्की आत्मा हूं और जिसमें भी प्रवेश करता हूं उसको पता ही नहीं चलता मैं कब आता हूं कब चला जाता हूं। ब्रह्मा के तन में प्रवेश करता था तो ब्रह्मा को भी पता नहीं चलता कब आता कब चला जाता। ब्रह्मा की सोल शरीर छोड़ने के बाद जिस गुलजार दादी में प्रवेश करती है तो गुलजार दादी को अपना भान भूलना पड़ता है। कोई भी मनुष्य आत्मा किसी मानव शरीर में प्रवेश करती है तो जिसमें प्रवेश करती है वो उसकी चेतावस्था को समाप्त कर देती है, वो आत्मा अचेत हो जाती है। तो मेरी प्रवेशता में और मनुष्य आत्माओं की प्रवेशता में बहुत अंतर है। मेरे को तो देह भान का छिलका ही नहीं रहता, इसलिए मैं तो हल्की फुल्की आत्मा हूं। मनुष्य आत्माए हल्की फुल्की तब बनती है जब मैं आकर के उनको परिचय देता हूं कि तुम ज्योतिबिंदु आत्मा हो, ये प्रैक्टिस करो कि मैं देह नहीं हूं, देह का पुतला नहीं हूं, मैं तो अविनाशी ज्योतिबिंदु आत्मा हूं। तो आत्मा का जब परिचय मिलता है तो जैसे आत्मा की रचना हुई, बाकी रचे जाने की बात नहीं है क्योंकि आत्मा तो अनाज है विनाशी है। तो आत्माओं का रचयिता ज्ञान देने के कारण वो सुप्रीम सोल कहा जाता है। ये बातें सारी दिल में करते रहना चाहिए कि हम ज्योतिबिंदु आत्मा हैं, हम ये शरीर रूपी पुतला नहीं है। ये शरीर का पुतला तो आज है कल खलास हो जाएगा, फिर हमको नया पुतला मिलता है। जो ज्ञान मिला है वो अपने दिल में ठहराने के लिए मेहनत करनी है। 15/6/66 की वाणी का दूसरा पेज। आत्मा ही विचार करती है, पहले पहले तो ये निश्चय करो हम आत्मा बाप के साथ रहने वाली है। बाप परम धाम का वासी है तो हम आत्मा भी परम धाम की वासी है। सब धर्मों में उस परम धाम का ज्ञान है, नाम अलग अलग दे दिए। अंग्रेज लोग उसे कहते हैं सुप्रीम एबोड, सोल बर्ड, और हिंदू लोग उसे कहते हैं ब्रह्मलोक, पारलोक, मुसलमान लोग कहते हैं खुदा अर्श में रहता है, फर्श में नहीं रहता, पहले कहते थे। अभी तो मुसलमानों में भी सर्वव्यापी का ज्ञान फैल गया है, जब तमो प्रधान हो गए हैं कहीं खुदा नहीं मिला तो कहते हैं जर्रे जर्रे में भगवान है, जर्रे जर्रे में खुदा है। लेकिन ऐसे तो होता नहीं है। मैं तो ऊंचते ऊंच हूं, जरूर ऊंचते ऊंच में प्रवेश करूंगा। तो मैं आता हूं तो इस सृष्टि का जो हीरो पार्टधारी आत्मा है उस हीरो पार्टधारी राम की आत्मा में प्रवेश करता हूं मुकर्रर रूप से, और भी बच्चों में प्रवेश करता हूं जिनकी यादगार है रुद्राक्ष की माला। रुद्राक्ष के जो मणके होते हैं उनमें मुख बने हुए होते हैं, ये याद है यादगार है उनका मुख लेने की। कोई में एक मुख है, कोई में चार मुख है, कोई में दो मुख है, किसी में 14 मुख,
इसका मतलब है उन आत्माओं में उतनी आत्माओं ने प्रवेश किया और पहले पहले मैं प्रवेश करके उनको आत्मिक स्वरूप में स्थित कराता हूं। तो रुद्राक्ष के जो मणके हैं वो रुद्राक्ष की माला 108 मणकों की माला होती है, माने सृष्टि में 108 श्रेष्ठ आत्माएं ऐसी हैं जो हर धर्म से चुनी हुई श्रेष्ठ आत्माएं परमात्मा बाप के गले का हार बनती है और उच्च पद पाती है। परमात्मा बाप ने जो संगठन बनाया श्रेष्ठ आत्माओं का संगठन, उसकी यादगार है माला, हर धर्म में माला सुमिरी जाती है, हर धर्म में माला फेरी जाती है, मुसलमान भी माला फेरते हैं, क्रिश्चियंस भी माला फेरते हैं, बौद्ध भी माला फेरते हैं और हिंदुओं में तो माला का सिमरण किया ही जाता है। सिमरण करना माना स्मरण करना, याद करना। उन 108 आत्माओं को इतना क्यों याद किया जाता है? जरूर है उन्होंने परमात्मा के कार्य में, सृष्टि रचना के कार्य में, तामसी सृष्टि के विनाश के कार्य में और नई सृष्टि की पालना के कार्य में विशेष सहयोग दिया होगा। तो उन 108 आत्माओं का हर धर्म में माला के रूप में यादगार चली आ रही है। तो निश्चय ये होना चाहिए कि हम बाप के साथ रहने वाली आत्मा हैं, हम उनके बच्चे हैं, तो हमको जरूर वर्षा मिलना चाहिए। हद का वर्षा हद का बाप देते हैं, लाख करोड़ अरब का वर्षा दे देंगे, बेहद का बाप आकर के बेहद का वर्षा देता है, एक जन्म की सुख शांति का वर्षा नहीं देता है, 21 जन्मों की अखंड सुख शांति का वर्षा देता है और 21 जन्मों की अखंड सुख शांति के आधार पर जो बाकी बचे 63 जन्म हैं 84 के चक्र में से, उनमें भी सुख शांति का वर्षा स्वतः ही मिल जाता है, क्योंकि आत्मा में जो पुरुषार्थ के संस्कार पड़ जाते हैं, श्रेष्ठ पुरुषार्थ या मध्यम पुरुषार्थ या निष्कृष्ट पुरुषार्थ, वैसा वैसा वो आत्मा पद पाती रहती है। सत्युग त्रेता में स्वर्ग की रचना होती है मेरे द्वारा, वहां रामकृष्ण का राज्य होता है। कृष्ण के लिए कहते हैं, हे कृष्ण नारायण वासुदेव, नारायण का राज्य सत्युग में था, 16 कला संपूर्ण था, तो वो 16 कला संपूर्ण राज्य मैं आकर के स्थापन करता हूं, ये संपूर्ण वर्षा मैं आकर के देता हूं। सुप्रीम सोल बाप जरूर सुप्रीमेसी का वर्षा देगा, और भी धर्म पिताएं हैं, वो है नंबर वन इब्राहिम, बुद्ध है, क्राइस्ट है, गुरु नानक है, अपने अपने धर्म के फॉलोअर्स को कुछ न कुछ दे करके जाते हैं, लेकिन वो हद की प्राप्ति कराते हैं और मेरे से बेहद की प्राप्ति होती है। तो ऐसे नहीं कि मैं सिर्फ आकर के भारतवासियों को मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देता हूं, प्रत्येक मनुष्य आत्मा अपने अपने पुरुषार्थ के अनुसार मेरे से ऊंच मध्यम अथवा नीच प्रकार का वर्षा पा लेती है।
मैं खुली छूट देता हूं पूरा पुरुषार्थ करने के लिए, चाहे कोई काना हो, अंधा हो, लूला हो, लंगड़ा हो, गरीब हो, अमीर हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी देश का हो। बाप कहते हैं मैं किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करता, ऐसा 500 700 करोड़ मनुष्य आत्माओं की दुनिया में प्रत्येक मनुष्य आत्मा मेरा बेहद का वर्षा लेने की हकदार है। तो जो मेरे बच्चे हैं उनको जरूर पूरा वर्षा मिलता है, मेरे बच्चे हैं पूरे 84 जन्म लेने वाले, ऑलराउंड पार्टधारी हैं, ये भी तुम जानते हो। तुम किससे कहा जाता है? जो सामने बैठे होते हैं उनसे तुम कहा जाता है, माने बाप से जो डायरेक्ट पढ़ाई पढ़ते हैं वो बच्चे 84 जन्म लेने वाले बच्चे बनते हैं। और वो ही जानते हैं कि हम आत्माओं का बाबा है, झाड़ का पहले पहले बीज होता है, जैसे सिजरा बनाते हैं बाप है बड़ा, फिर बीज से 2-4 पत्ते निकलते हैं, फिर एक लीक निकालते हैं और एक से वृद्धि को पाते पाते झाड़ बड़ा हो जाता है। तो ये भी मनुष्य सृष्टि का झाड़ है। नक्शा होता है ना, फलाने से फलाना निकला, सिजरा कहते हैं, इन फलाने ने फलाने से जन्म लिया। तो तुम बच्चे जानते हो मूल वतन में सभी आत्माएं रहती हैं, इनका भी चित्र है, ऊंचते ऊंचे है बाप, ऊंच और नीच का सवाल कहां पैदा होता है? आत्माओं की दुनिया में, ब्रह्मलोक में, पारलोक में या इस साकार लोक में, ये साकारी लोक है जहां ऊंच और नीच का सवाल पैदा होता है। और धर्म पिताएं हैं नंबर वार, लेकिन ऊंचते ऊंच बाप वो है जिसको धर्म पिताएं भी मानते हैं गॉडफादर के रूप में। तुम बच्चों की बुद्धि में भी है, बाबा इस शरीर में आया हुआ है, रूहानी बाप इसमें आए रूहों को पढ़ाते हैं, इसको पढ़ाते हैं, जो देह अभिमान में रह करके पढ़ते हैं वो नहीं पढ़ पाते, उनको पढ़ाते भी नहीं है, जो आत्माभिमान में रहते हैं वो ही मेरे से पढ़ाई पढ़ते हैं, और सूक्ष्म वतन में तो नहीं पढ़ावेंगे। ये भी अभी तुम जानते हो, सतयुग में तो ये नॉलेज किसी को रहती नहीं है, वहां तो सब देवताएं होते हैं, देवताओं को कोई प्रकार की पढ़ाई पढ़ने की दरकार नहीं, क्योंकि वो तो सुखी होते हैं। देवताएं जब द्वैत की दुनिया द्वापर में आते हैं जन्म लेते लेते तब दुखी होते हैं। मैं जो अद्वैत राज्य स्थापन करता हूं उस राज्य में सतयुग त्रेता में एक ही राजा होता है, एक ही धर्म होता है, एक ही कुल होता है, एक ही भाषा होती है और एक ही मत होता है, इसलिए वहां लड़ाई झगड़े दुख आदि की बात ही नहीं होती। जब से दूसरे दूसरे धर्मों के धर्म पिताएं आना शुरू हुआ, आज से 2500 वर्ष पहले इब्राहिम आए, उन्होंने इस्लाम धर्म स्थापन किया, द्वैतवादी दुनिया शुरू हो गई, दूसरा मत शुरू हो गया, देवता की मत। तो बाप ने आकर के स्थापन की थी, वो तो आज से 5000 वर्ष पहले आया था, अद्वैत मत स्थापन करके गया था,
उस अद्वैत मत की लिमिट है 2500 साल। वो 2500 साल के बाद फिर दूसरे दूसरे धर्म पिताएं आकर के अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं, तो दूसरी दूसरी मतें मिक्स होती जाती है। जितनी जितनी मतें बढ़ती जाती हैं उतने उतने धर्म बढ़ते जाते हैं, उतनी उतनी जातियां बढ़ती जाती हैं, उतनी उतनी भाषाएं बढ़ती जाती हैं, और आपस में लड़ाई झगड़ा मारा मारी दुख अशांति बढ़ती चली जाती है। तो तुम बच्चे अब जानते हो कि एक सदगुरु की श्रीमत से है सदगति, और अनेक मनुष्य गुरुओं की मनमत और मनुष्य मत से है दुर्गति। श्रीमत से सदगति और मनुष्य मत से दुर्गति। अब मैं यहां आया हुआ हूं तो भी देखो श्रीमत पर नहीं चलते हैं। 63 जन्म की रग पड़ी हुई है मनुष्य मत पर चलने की अथवा मनमत पर चलने की। तो मैं ऊंचते ऊंच बाप जो बोलता हूं जो बताता हूं उस बात को नहीं पकड़ पाते। बाप कहते हैं ये बनी बनाई बन रही, अब कछु बननी ना है। हर आत्मा ने पिछले 63 जन्म में जैसा जैसा पार्ट बजाया है वैसी वो मेरे आने के बाद भी शूटिंग करती है। वो संस्कार आत्मा में बंधे हुए हैं, कोई श्रेष्ठ मत पर चलते हैं, कोई फिर भी भ्रष्ट है सड़ी हुई मत पकड़ लेते हैं। मैं तो आकर के पहली बात बताता हूं कि तुम आत्मा हो, दूसरों को भी आत्मिक रूप में देखोगे तो माया का वार नहीं होगा। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये वार नहीं कर सकेंगे। इन बातों को अभी तुम जानते हो। सत्युग में ये नॉलेज किसी को नहीं रहेगी, दरकार ही नहीं। बाप ही संगम पर आई ये नॉलेज देते हैं, इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का नॉलेज कोई को नहीं है। गीता में कहते हैं ऊर्ध्वम मूलम मदस्याख अश्वत्थम माहौर अव्ययम, बस एक श्लोक देकर के बात छोड़ दी। पूरी बात कोई को समझ में नहीं आती। अभी मैं आकर के बताता हूं, ये मनुष्य सृष्टि रूपी जो झाड़ है इसका बीज है प्रजापिता। दूसरे धर्म के लोग भी उस आदि पिता को मानते हैं। अंग्रेज लोग उसे कहते हैं एडम, मुसलमान लोग उसे कहते हैं आदम, जैनियों में उसे कहते हैं आदिनाथ, हिंदुओं में उसे कहते हैं आदिदेव। तुम आदिदेव है, पुरुष है, पुराण है, ऐसे कहकर के शंकर जी की स्तुति करते हैं। शंकर के लिए कहते हैं कि वो अनादि है, उसका जन्मदाता पिता कोई साकार में नहीं दिखाया जाता। जो है ही सारी सृष्टि का आदि, उसको भला कौन जन्म देगा। तो वो बीज है सारी मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का। उसे एक बीज से फिर दो पत्ते निकलते हैं, राधा और कृष्ण, फिर 2 से 4, 4 से 8, ऐसे पत्ते वृद्धि को पाते जाते हैं। अभी बाप तुमको समझाते हैं, बच्चे अभी तुमको फिर से घर चलना है। ये झाड़ पुराना हो गया, इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ में अब एटम बमों से आग लगनी है। आज से 60-70 साल पहले एटम बम का नाम निशान नहीं था, किसी के दिमाग में भी नहीं था कि ऐसी भी कोई महाविनाशकारी चीज तैयार हो सकती है जिससे सारी दुनिया भस्म हो जाए।
क्यों नहीं था? क्योंकि आज से 70 साल पहले परमात्मा बाप भी इस सृष्टि पर नहीं आया था। सुप्रीम सोल बाप जब इस सृष्टि पर आते हैं, नई दुनिया की स्थापना करने के लिए आते हैं, नई दुनिया का नया संगठन बनाने के लिए आते हैं, तो पुरानी दुनिया के विनाश की सामग्री भी तैयार होना शुरू होती है। एक तरफ स्थापना होती है गुप्त, पंडा बाप के बच्चे पंडे पांडव, वो अपना गुप्तवास गुप्त रूप में करते हुए नई दुनिया की स्थापना के कार्य में लगे रहते हैं। शास्त्रों में ये बात आई है कि पांडवों ने वर्षों गुप्तवास किया और उसमें भी लंबे समय तक गुप्तवास कांपिल्य नगर में किया। वो कांपिल्य नगरी आज भी मौजूद है और वो कार्य है। कहते हैं राजा द्रुपद के राज्य में हुआ था। ध्रुव, ध्रुव जिसका पद है उसका नाम दे दिया है ध्रुव पद, बिगड़ करके हो गया द्रुपद। उनकी बेटी का नाम द्रौपदी रख दिया। वास्तव में वो था ध्रुवपदी, जिसका पद संसार में ध्रुव है। चाहे कितने भी माया के तूफान आवे, लेकिन उसका पद मिट नहीं सकता। इतनी पावर भरी हुई है उसे जीवन रूपी नैया में। कहते हैं उस द्रौपदी का जन्म कांपिल्य नगर में यज्ञ कुंड से हुआ था। अब ऐसा कोई यज्ञ कुंड नहीं होता जिसमें स्वाहा स्वाहा करने से कोई मनुष्य पैदा हो जाए। ये तो यज्ञ कुंड है ज्ञान का। ज्ञान यज्ञ कुंड में से वो द्रौपदी प्रत्यक्ष होती है, मन प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेती है। जैसे बच्चा पहले गुप्त होता है, गर्भ में होता है, बाद में जब बाहर आता है तो प्रत्यक्ष होता है, माने कहा जाता है कि जन्म लिया। तो ऐसे ही जब तक वो परमपिता परमात्मा इस सृष्टि पर गुप्त पाठ बजा रहा है गुप्त पांडवों के साथ, तब तक वो प्रत्यक्षता नहीं हो सकती द्रौपदी की। और जब वो गुप्त पाठ प्रत्यक्ष होता है तो पांडव भी प्रत्यक्ष हो जाते हैं, द्रौपदी भी प्रत्यक्ष हो जाती है और बाप भी संसार में प्रत्यक्ष हो जाता है। वो बाप है मनुष्य सृष्टि का पिता, आदम, एडम, आदिदेव। वो एक के प्रत्यक्ष होने से फिर नंबर वार माला के 108 दाने भी प्रत्यक्ष होने लग पड़ते हैं। वो है फर्स्ट क्लास माला, फिर नंबर वार मालाएं हैं। 1008 भी कहा जाता है ब्रह्मा की 1000 भुजाएं, फिर 16108 भी कहा जाता है। इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर विशेष राज परिवार जिसकी बाप आकर के स्थापना करते हैं, जो जन्म जन्मांतर राजा ही पाते हैं, ये राजाई देने का कार्य, राजाई की पढ़ाई पढ़ाने का कार्य और कोई मनुष्य गुरु नहीं कर सकता। न वो राजयोग सिखा सकते हैं,
परमात्मा बाप ही आकर के राजयोग सिखाता है और जन्म जन्मांतर की राजाई प्रदान करता है आत्माओं को। तो वो 16108 की माला भी प्रसिद्ध है, जो प्राचीन प्राचीन मंदिर हैं उसमें बड़ी गरारी के ऊपर वो 16108 की माला रखी रहती है। चार चार आठ आठ दस दस मनुष्य मिलकर के उसको खींचते हैं। उस खींचने का मतलब हुआ कि 108 की माला तो एक एक को एक एक बैठ करके समझाता है और एक एक की बुद्धि को परमात्मा की तरफ आकर्षित करता है। माने व्यक्तिगत ज्ञान देने से व्यक्तिगत जो पावर मिलती है परमात्मा से, उससे 108 की माला तैयार होती है। और जो 16108 की माला है वो उन आत्माओं की माला है जो हर धर्म से खींची हुई श्रेष्ठ आत्मा है और उनको संगठित रूप में खींचना पड़ता है। चार चार आठ आठ मिलकर के उन आत्माओं को ज्ञान में खींचते हैं। अब ये कार्य चल रहा है, मालाएं तैयार हो रही हैं। बड़ी सी बड़ी माला है 9 लाख की, 9,16,108 नई सृष्टि की आबादी होगी। आज की दुनिया की पॉपुलेशन है 500-700 करोड़। ये 500-700 करोड़ साफ खलास हो जाने वाले हैं। एटॉमिक बमों का विस्फोट होगा और पृथ्वी का बैलेंस बिगड़ जाएगा। भूकंप आएंगे और उन भूकंपों में ये बड़ी बड़ी महलमाणियां अटारियां जो आज माया का पंप एंड शो पिछले 100 वर्ष के अंदर देखने में आ रहा है वो साफ खलास हो जाना है। षष्ठ की आबादी 9 लाख रहेगी। 500-700 करोड़ में से 1 करोड़ भी नहीं रहेगी, 1 करोड़ का भी 10वां हिस्सा, 9 लाख जाकर के आबादी रहेगी। और इतने जो धर्मखंड इस सृष्टि पर फैले हुए हैं, इब्राहिम का स्थापन किया हुआ इस्लाम धर्मखंड, अरब देश, अफ्रीका, ये भी समुद्र के गर्त में समाये जाएंगे। क्राइस्ट के आने के बाद समुद्र के गर्त से बाहर आने वाला क्रिश्चियन धर्मखंड, यूरोपीय देश, अमेरिका, वो भी समुद्र के गर्त में समाये हुए थे। जब ये धर्म आए, इनकी जनसंख्या बढ़ी तो ये धर्मखंड भी समुद्र से ऊपर आ गए। महात्मा बुद्ध के द्वारा फैला हुआ बौद्ध धर्मखंड, चीन, जापान वगैरह, इंडोनेशिया, मलाया वगैरह, ये पूर्वी देश जो पृथ्वी के नक्शे पर पूरब में दिखाए जाते हैं, ये आज से 225,000 साल पहले पृथ्वी के नक्शे पर नहीं थे। जब बौद्ध धर्मखंड स्थापन होता है तो बौद्ध धर्मखंड भी समुद्र के गर्त से बाहर आ जाते हैं और जनसंख्या उनकी वहां फैलने फूलने लगती है। अब इन सब धर्मखंडों का खलासा होना है, सब धर्मों का विनाश होना है, एक सद्धर्म रह जाएगा। जिस सद्धर्म की स्थापना एक सद्गुरु निराकार के द्वारा होती है, वो सद्गुरु है सारी सृष्टि की सदगति करने वाला।
गति और सदगति। 500-700 मनुष्य आत्माओं की, 500-700 करोड़ जो भी मनुष्य आत्मा है उन सब की गति होगी, माने उनको मुक्ति मिलेगी दुख दर्दों की दुनिया से, उनको सतयुग त्रेता में जाकर के सतयुग का जो 16 कला संपूर्ण सुख है वो प्राप्त नहीं होगा, वो सिर्फ 5-10 करोड़ ऐसी मनुष्य आत्माएं हैं जो सतयुग में त्रेता में जाकर के सुख भोगने की अधिकार नहीं बनती है। वो ही आत्माएं जब दूसरे दूसरे धर्मखंड के धर्म पिताएं आते हैं तो उन धर्मों में कन्वर्ट होने लग पड़ती है, सब कन्वर्ट नहीं होते। जैसे झाड़ का तना होता है नीचे से ऊपर तक एक ही तना जाता है, तो उस तने में जो रहने वाली आत्माएं हैं वो कन्वर्ट नहीं होती, डालियां इधर निकलती हैं, कुछ डालियां दक्षिण साइड में निकलती है, माना दाई और बाई ओर। तो जो वाम मार्गी धर्म है वो विदेशी धर्म है, इस्लाम धर्म, क्रिश्चियन धर्म, मुस्लिम धर्म, ये वाम मार्ग का पोषण करने वाले धर्म है, विचार को फैलाने वाले धर्म है। इन धर्मों में अब विचार को मान्यता नहीं है। भारत में देवी देवताओं का सनातन धर्म जो था वो अभिविचारी धर्म था, राधा और कृष्ण का अविनाशी प्यार था, लक्ष्मी नारायण का कोई भी मंदिरों में चित्र तो होता है, मूर्तियां होती हैं, लेकिन शास्त्रों में कहीं भी उनकी ग्लानी नहीं है। ऐसा निर्दोष धर्म की स्थापना परमात्मा बाप आकर के करते, और धर्मों में सब में दोष समाये हुए, विचार का दोष तो हर धर्म में फैल गया। जो वाम मार्गी धर्म है, विदेशी धर्म है, उनसे भारतीय धर्म भी प्रभावित हो गए। भारतीय धर्मों में से बौद्ध धर्म, सन्यास धर्म, सिख धर्म, वो भी विदेशियों से प्रभावित हो जाते। बाप आकर के बताते हैं, बच्चे जो भारतवासी हैं वो ही दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते रहे हैं, दूसरे धर्म की आत्माएं कभी भारत के धर्म में आकर के कन्वर्ट नहीं हुई, ये 2500 वर्ष की हिस्ट्री बताती है। इसलिए हिंदुओं की जनसंख्या सनातन धर्म वालों की जनसंख्या कम होती गई और दूसरे दूसरे धर्मों की जनसंख्या बढ़ती गई। आज भी दुनिया में 100-150 करोड़ से ऊपर क्रिश्चियंस की संख्या है, लगभग इतनी ही इस्लामियों मुसलमानों की जनसंख्या है, और हिंदू सिर्फ भारत में ही सिमट कर रह गए। क्या कारण है? कारण यही है कि जो देवी देवता सनातन धर्म की आत्माएं हैं उनमें से ज्यादा हिस्सा एक ऐसा है जो दूसरे धर्मों से प्रभावित हो जाते हैं, जो आया उसी को सर झुका दिया। ये भारत की विशेषता रही है कि सब धर्मों के यहां मान्यता प्राप्त की गई है, हर धर्म ने आकर के यहां अपना सिक्का जमाया है। भारत माता पिता का देश है, सारी सृष्टि का जो माता पिता है, एडम ईव, आदम हुआ, आदिदेव आदिदेवी, वो यहां से विख्यात होते हैं, क्योंकि भारत में ही भगवान आते हैं, भारत में ही आकर के सनातन धर्म की स्थापना करते हैं। तो ये अभी तुम जानते हो, सतयुग में ये नॉलेज किसी को नहीं रहेगी। देखो सतयुग की आयु कितनी लंबी लिख दी है,
अभी बाप तुमको समझाते हैं बच्चे, अभी तुमको घर चलना है। ये सृष्टि अब हजारों साल चलने वाली नहीं है। सत्युग में जो लंबी लंबी आयु लिख दी है उसका मूल कारण भी है। कारण ये है कि कोई भी मकान बनाया जाता है तो पहला तल्ला बनाने में ज्यादा टाइम लगता है। कोई नाटक खेला जाता है तो पहला सीन तैयार करने में ज्यादा टाइम लगता है। तो ऐसे ही मैं जब इस सृष्टि पर आता हूँ तो चारों युगों की शूटिंग कराता हूँ। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये चार सीन है इस ड्रामा के। चार सीन में जो पहला सीन है देवी देवताओं का सतयुग, सत्य का युग, उसकी शूटिंग करने में लंबा टाइम खींचे जाता है। इसलिए शास्त्रों में सतयुग की आयु लंबी दिखा दी है। कहते हैं कलयुग से दोगुनी आयु द्वापर की, तीन गुनी आयु त्रेता की और चार गुनी आयु सतयुग की दिखाते हैं। ये सब बातें यहां की हैं। इस समय जबकि कलयुग का अंत होने वाला है, सतयुग की आदि होने वाली है, तो आधा हिस्सा कलयुग का और आधा हिस्सा सतयुग का, 50-50 वर्ष ऐसे समझा जाए। 100 वर्ष के संगम युग में परमात्मा बाप आकर के सृष्टि को परिवर्तन करते हैं। तो ये शूटिंग काल चलता है। सतयुगी शूटिंग, त्रेता युगी शूटिंग, द्वापर युगी शूटिंग और अभी कलयुग की शूटिंग, चारों युगों की शूटिंग का राज जो बच्चों की बुद्धि में आता है वो ही शास्त्रों में लिख दिए। चाहे वो रामायण हो, राम रावण की कथा हो, वो कोई त्रेता युग की कथा नहीं है। त्रेता युगी शूटिंग में जो कार्य हुआ है वही उन्होंने शास्त्रों में लिख दिए। चाहे वो देवासुर संग्राम रहा हो, देवताओं और असुरों की लड़ाई कोई सतयुग में नहीं लगी, वो भी इसी समय की बात है। चाहे वो महाभारत युद्ध हो, वो महाभारी महाभारत युद्ध है, ऐसे नहीं कि कृष्ण भगवान ने द्वापर के अंत में आकर के महाभारत युद्ध कराया और पापी कलयुग की स्थापना कर दी, फिर भगवान के आने का फायदा ही क्या हुआ। अगर भगवान पापी कलयुग की स्थापना करने आए, नहीं, परमात्मा तो आता ही है कलयुग के अंत और सतयुग के आदि में। जब नई सृष्टि की स्थापना करनी होती है, पुरानी दुनिया का विनाश करना होता है, जैसे कि गीता में लिखा है, धर्म संस्थापनार्थाय विनाशाय च दुष्कृतम्, धर्म की स्थापना करने के लिए आता हूं, सद्धर्म की स्थापना करता हूं और जो दुष्ट धर्म है, देह अभिमान को फैलाने वाले धर्म है, विविचार को फैलाने वाले धर्म है, उनका नाश कर देता हूं। तो बाप आए हुए हैं, वो अभी कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाए रहे हैं। कैसा कर्म करने से तुम जन्म जन्मांतर सुखी रहेंगे और कैसा कर्म करने से तुम जन्म जन्मांतर दुखी हो जाते, वो राज आकर के बाप अभी समझाए रहे। मुख्य बात है आत्मा आत्मा भाई भाई की। वो तब होगा जब अपने को देह समझना बंद करेंगे, दैहिक रूप में देखना बंद करें और दूसरी आत्माओं को भी दैहिक रूप में देखना बंद करें। ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये मामा है, ये चाचा है, ये काका है, ये ताऊ है, ये देह और देह के संबंध खलास करके जाता हूं। जो नई दुनिया स्थापन होती है वहां इतने ढेर के ढेर संबंध नहीं होते, इसलिए मनुष्य आत्मा देह बहाने में नहीं आती।
वहां सिर्फ दो ही संबंध होते हैं, माँ बाप और बच्चे। इसलिए देवान में आने की बात ही नहीं रहती। अभी भी बाप आकर के ये फाउंडेशन डाल रहे हैं, बच्चे तुम सब आत्माएं आपस में भाई भाई हो, भाई बहन भी नहीं समझो। भाई बहन भी समझेंगे तो स्त्री पुरुष का बाण आता है, आत्मा आत्मा भाई भाई। जब तुम्हारी ऐसी स्टेज बन जाएगी तब तुम मनुष्य से देवता बनेंगे। जो देवता धर्म में स्थापन करता हूं उन देवताओं की भक्ति मार्ग में द्वापर से पूजा होती है। वो देवताएं कोई और नहीं है, जो मंदिरों में मूर्तियां दिखाई गई है वो 33 करोड़ देवताएं तुम बच्चे ही बनते हो। लेकिन देवता बनेंगे बाद में, पहले बाप के घर के बच्चे बनना है। बाप के घर के बच्चे बनना मन आत्मा आत्मा भाई भाई। तो तुम सब ब्रदर्स हो, ब्रदर और सिस्टर तब कहा जाता है जब ये शरीर धारण किया जाता है। कोई स्त्री चोला धारण करती है आत्मा, कोई पुरुष चोला धारण करती है आत्मा, तो ब्रदर्स और सिस्टर्स कहा जाता है। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं तो ब्रदर्स और सिस्टर्स हैं, और परमपिता परमात्मा शिव के बच्चे हैं तो आत्मा आत्मा भाई भाई। अब ये देह भान छोड़ देना है, हम सब भाई भाई हैं। जरूर भाई भाई का बाप भी होगा, वो बाप है सुप्रीम सोल शिव, वो है परमपिता परमात्मा। सभी आत्माएं शरीर में रहते उसको याद करती है, शरीर छूट जाने के बाद फिर याद करने का सवाल पैदा नहीं होता। वो है बाप, ये भी समझाया है, दो बाप हैं, एक आत्माओं का बाप और एक मनुष्य सृष्टि का बाप। आत्माओं का बाप सुप्रीम सोल शिव, जो शिव की यादगार मंदिर में रखी हुई है। सबसे पहला मंदिर बनाया गया सोमनाथ का मंदिर, उस सोमनाथ मंदिर में लाल पत्थर के लिंग में हीरा जड़ा हुआ था, वो हीरा है सुप्रीम सोल की यादगार। और जिस पत्थर गोल पत्थर में वो जड़ा हुआ था वो लाल पत्थर है शरीरधारी की यादगार, जिस शरीर में वो हीरा प्रवेश करता है सुप्रीम सोल, और उसको हीरा हीरो पाटधारी बनाता है। तो लिंग है शरीरधारी की यादगार, वो यादगार लिंग क्यों बनाई गई, उसको हाथ पांव नाक आंख कान क्यों नहीं दिखाए गए, क्योंकि वो संपूर्ण पुरुषार्थ की स्टेज में जब टिकता है तो इंद्रियों के भान को भूल जाता है। इंद्रियां जैसे हैं ही नहीं, अतिंद्रिय सुख का पार्ट बजाता है, इंद्रियों से परे की स्टेज हो जाती है। इसलिए मेरे लिंग स्वरूप की पूजा होती है। और जो देवताएं हैं उनके हस्त कमल, पाद कमल, नयन कमल, सब इंद्रियों की पूजा होती है, क्योंकि सभी इंद्रियों में पवित्रता समाई जाती है। लेकिन मेरे स्वरूप की जो पूजा होती है वो लिंग रूप की पूजा है, और ये लिंग रूप की पूजा दक्षिण भारत में विशेष फली फूली है। तो दक्षिण भारत के लोग जरूर इस बात को ज्यादा जल्दी पहचान जाते हैं कि शिव क्या है, कैसे सृष्टि पर आता है, कैसे पाट बजाता है, कैसे पतितों को पावन बनाता है। उत्तर भारत के लोग आज भी अनभिज्ञ हैं,
बेचारे नहीं जान पा रहे हैं। भले परमात्मा बाप की जन्मभूमि उत्तर भारत में मनाई जाती है, लेकिन उत्तर भारत के लोग अभी भी अनभिज्ञ हैं, अंधेरे में हैं। और दक्षिण भारत के लोग जो कि भाषा भी नहीं जानते, भाषा की भारी प्रॉब्लम, फिर भी भगवान को पहचान लेते हैं। भगवान आकर के हिंदी में बोलता है, दक्षिण भारत में ही जानते ही नहीं, तो भी उसका जो स्वरूप है, मैं जो हूँ, जैसा हूँ, जिस रूप में पार्ट बजाए रहा हूँ, उस रूप को मेरे बच्चे ही जानते हैं। तो बोला, दो बाप हैं, एक बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप और दूसरा है मनुष्यों का बाप, मनुष्य सृष्टि का बाप। मनुष्य सृष्टि के बाप को सब धर्म की आत्माएं मानती है। तो एक है साकार और एक है निराकार। वेदों में भी वो ऋचाएं आई है, ऋग्वेद में ये आया है, द्वा सुपर्णा सुयजा सखाया समानम वृक्षम अविशस्व जाते। ये शरीर रूप, ये षष्टि रूपी वृक्ष है, इस षष्टि रूपी वृक्ष पर दो पक्षी विराजमान है, एक साकार है और एक निराकार है, एक भोगी है और एक अभोक्ता है। है एक ही शरीर, एक ही शरीर में दो प्रकार की आत्माएं कार्य करती है। तो सभी आत्मा रूपी बच्चे अपने शरीर में रहते हुए उस अभोक्ता बाप को याद करती है, वो है बाप। ये भी समझाया है कि एक को याद नहीं करते हैं, साकार और निराकार दोनों के मेल को याद करते हैं। सत्य को त्रेता में कोई याद नहीं करता। क्यों नहीं याद करता? क्योंकि बाप का वर्षा सुख मिल जाता है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। सुख की सृष्टि में कोई परमात्मा बाप को याद नहीं करता। जब द्वैतवादी धर्म आते हैं तब दुख की शुरुआत होती है, और जब जास्ती दुख बढ़ता है तो भक्ति बहुत बढ़ जाती है। जो दुखी बच्चे हैं वो बहुत याद करने लग पड़ते हैं। ये पतित दुनिया में सब पतित है, एक भी पावन देवता नहीं है, एक भी मनुष्य आत्मा ऐसी नहीं है जो ये कहे कि मैं किसी को दुख नहीं देता। तन से, मन से, धन से, समय, संपर्क और संबंधियों से कुछ न कुछ दूसरों को दुख जरूर देते। तो आज के मनुष्य जो सत्युग त्रेता में देवता थे, वो देवता से बदल करके मनुष्य बने और मनुष्य से बिगड़ करके अब राक्षस बन चुके। दैत्यों का काम होता है दुख देना, और जो भगवान आकर के देवता बना के जाता है, उन देवताओं का काम होता है दूसरों को सुख देना। देवताएं सुख ही सुख देते हैं और दैत्य दुखी ही दुख देते हैं। आज दैत्यों की दुनिया है, इन असुरों को बदल करके देवता बनाना ये एक ही सुप्रीम सोल बाप का काम है। अभी सारी दुनिया रावण की जेल में, ऐसे नहीं कि लंका में रावण था, नहीं, सारी दुनिया वेट है। इस सारी दुनिया के चारों ओर पानी ही पानी है, और
इस रावण की दुनिया में राम का राज्य नहीं है। क्या राम वाली आत्मा तो है, हीरो पाठधारी है, लेकिन उसके लिए बोला है सुबह का अमीर और शाम का फकीर। हर कल्प में ऐसा ही पार्ट बजाता है, कलयुग के अंत में फकीर बन जाता है और नई दुनिया की शुरुआत में विश्व का मालिक बन जाता है। इसलिए स्लोगन दिया हुआ है, शंकर विश्वनाथ कहलाते, राधा कृष्ण उन्हीं से आते। क्या सारे विश्व का नाथ कौन बनता है? हिटलर नहीं बनता, नेपोलियन नहीं बनता, मुसोलिनी नहीं बनता। हिस्ट्री में इनकी बातें आई हैं कि ऐसे ऐसे महत्वाकांक्षी दूसरे धर्मों में हुए हैं जिन्होंने इच्छा की कि हम सारी दुनिया पर विश्व में राज्य करेंगे, लेकिन वो सारी दुनिया में विश्व पर राज्य नहीं कर सके, बीच में ही मर मिल के चले गए। ये तो एक सुप्रीम सोल बाप ही है जो आकर के ऐसी पढ़ाई पढ़ाए रहा है, ऐसा राजयोग सिखाए रहा है, जिस राजयोग को सीख करके सारी सृष्टि पर राजाई प्राप्त कराने का पुरुषार्थ कराया जा रहा है। अब जो जैसा पुरुषार्थ करे वैसा जन्म जन्मांतर का राजा बने। कोई ऐसे भी होंगे जो सम्राट बनेंगे, कोई ऐसे भी होंगे जो जन्म जन्मांतर राजाएं बनेंगे, छोटे बड़े राजाएं बनेंगे। कोई ऐसे होंगे जो राजकुल में जन्म तो लेंगे लेकिन राजा नहीं बनेंगे, राजकुमार राजकुमारी बनकर के रह जाएंगे। तो ये प्राप्ति परमात्मा बाप आकर के कराए रहे। ओम शांति।